हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सर्विस प्लानेट। मैं अतनु सिलीगुड़ी से। मेरा दुकान का नाम है आईटी सर्विस वर्ल्ड, जहाँ पे लैपटॉप और डेस्कटॉप मदरबोर्ड का रिपेयरिंग होता है। तो आप लोग मुझे डेस्कटॉप मदरबोर्ड रिपेयरिंग के लिए कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरा कांटेक्ट नंबर है 8388888000। मैं डिस्क्रिप्शन में मेरा दुकान का एड्रेस और फ़ोन नंबर दे के रखूँगा। तो मेरे पास आज एक बोर्ड आया है, जो है ECS का H61H2MV। तो ये बोर्ड मुझे डेड कंडीशन में रिसीव हुआ है, तो चलिए स्टेप बाय स्टेप इसको फाइंड करते हैं और क्या प्रॉब्लम है वो भी देखते हैं। सबसे पहले मैं इसको पावर कनेक्ट कर देता हूँ। मैंने यहाँ पे SMPS कनेक्ट कर दिया। अभी कोडिंग के लिए मैं एक डिबग कार्ड यूज़ करूँगा। तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे जो है मेरा ऑक्सिलरी वोल्ट 3 वोल्ट 3.3 वोल्ट वो बन गया। ये ऑक्सिलरी वोल्ट का LED है, इसका मतलब है मेरा स्टैंड बाई सेक्शन ओके है। तो अभी इसको मैं पावर ऑन करता हूँ। देखिए, पावर ऑन करने के टाइम में एक बार ऑन होके ये बंद हो गया। मैं फिर से एक बार दिखा रहा हूँ आप लोगों को। एक बार ऑन होके ये बंद हो जा रहा है। तो मैंने जब ये बोर्ड को थोड़ा सा टेस्ट किया, तो मुझे इसका जो लैन और साउंड का सेक्शन है, ये सेक्शन में थोड़ा बहुत हीट महसूस हुआ, जो कि मैं आपको मीटर से दिखा रहा हूँ। तो देखिए, ये प्रोसेसर का यहाँ पे 23 है, इधर भी हर जगह में 23 24, जो कि रूम टेम्परेचर है वही यहाँ पे दिखा रहा है। और यहाँ पे कनेक्ट करें तो यहाँ पे देखिए एबो 40 डिग्री ये शो कर रहा है लैन आईसी और साउंड आईसी में। तो ये चेक, ये दोनों में से कौन सा ऐसी फॉल्टी है, ये चेक करने के लिए सबसे अच्छा है हम लोग जो सोल्डरिंग के लिए जो पेस्ट यूज़ करते हैं फ्लैक्स, मैं दोनों आईसी के ऊपर थोड़ा थोड़ा फ्लैक्स लगा देता हूँ। तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे जो मेरा लैन का ऊपर जो मैं फ्लैक्स लगाया वो एज इट इज़ है, लेकिन साउंड आईसी के ऊपर जो मैंने फ्लैक्स लगाया वो मेल्ट हो चुका है। और यहाँ से मुझे क्लू मिल जाता है कि मेरा जो साउंड आईसी है ये आईसी फॉल्टी है, जिसके वजह से ये ऑन नहीं हो रहा है। क्योंकि स्टैंड बाई वोल्ट वोल्ट वोल्टेज जो है स्टैंड बाई वोल्टेज ये दो आईसी में आ जाता है। तो सबसे पहले मैं ये आईसी को एक बार रिमूव कर देता हूँ, उसके बाद फिर एक बार चेक करेंगे कि ये ऑन हो रहा है कि नहीं। तो मैंने साउंड आईसी को हटा दिया। अभी थोड़ा देर वेट करना पड़ेगा, बोर्ड का थोड़ा टेम्परेचर हाई है, क्योंकि इसका नज़दीक में एक क्रिस्टल लगा हुआ है जो कि हीट होने से इसका फ्रीक्वेंसी बदल जाता है। तो अभी एक बार फिर ऑन करके देखेंगे कि ऑन हो रहा है कि नहीं।
देख सकते हैं जो पहले जो भी प्रॉब्लम था सेम वही दिखा रहा है। मैं स्टेप बाय स्टेप इसको चेक करूँगा। तो सबसे पहले मैं ये प्रोसेसर का जो पावर है इसको हटा दे रहा हूँ। तो अभी देख सकते हैं कि प्रोसेसर पावर हटा देने के बाद ये सिस्टम ऑन होता है। तो एक बार DRM सेक्शन जो है प्रोसेसर का जो सेक्शन है वो सेक्शन को एक बार टेस्ट कर लेते हैं कि वहाँ पे कोई शॉर्टिंग है या कोई लो इम्पीडेंस है कि नहीं कोई मॉस्फेट में। तो इसके लिए मैं मल्टीमीटर को बाजर रेंज और जो डायोड रेंज है उसमें सेट कर दिया। ब्लैक प्रॉप को मैं ग्राउंड के साथ कनेक्ट कर रहा हूँ। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि मेरा जो 12 वोल्ट 12 वोल्ट है इसका इम्पीडेंस 3.6 है। सबसे अच्छा टेस्ट होता है अगर मैं CPU को हटा दूँ। यहाँ पे देखिए अभी 19 ओम्स शो कर रहा है जो कि बहुत ही लो है और मुझे फाइंड करना पड़ेगा कि कौन सा मॉस्फेट यहाँ पे लो है। तो इसके लिए सबसे पहले मैं मेन मॉस्फेट को ही टारगेट करूँगा। तो मुझे इस साइड में ये जो मॉस्फेट है ये मॉस्फेट मुझे शॉर्टिंग दिखा रहा है। तो ये मॉस्फेट को भी मैं हटा देता हूँ जस्ट चेक करने के लिए कि ऑन होता है कि नहीं। और फिर से मैं इसका जो ट्रैक है ट्रैक का एक बार इम्पीडेंस भी देख लेता हूँ। तो देखिए मॉस्फेट हटा देने के बाद ये ट्रैक का इम्पीडेंस नॉर्मल में शो कर रहा है और यहाँ से जो मेरा 4 पिन कनेक्टर है इसका भी शॉर्टिंग हट चुका है। तो मुझे लग रहा है कि ये अभी ऑन हो जाएगा लेकिन मुझे वो मॉस्फेट कनेक्ट करना पड़ेगा डिस्प्ले के लिए। अभी ये ऑन होके बंद हो रहा है। मैंने मुझे एक बार रैम भी कनेक्ट करके देख लेता हूँ आगे कोई जगह में शॉर्टिंग है कि नहीं। तो अभी ऑन होने मेरा जो मदरबोर्ड है ये ऑन हो गया और ये रिसेट हाई दिखा रहा है। तो सबसे पहले मैं ये मॉस्फेट को रिप्लेस कर लेता हूँ। तो मैंने यहाँ पे एक मॉस्फेट रिप्लेस कर दिया। अभी देखते हैं कि मेरा जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हुआ कि नहीं। स्टैंड बाय लाइट ग्लो कर चुका है। अब यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे मेरा जो है कोडिंग भी आ गया। तो
डिस्प्ले रेफरेंस के लिए मैं यूएसबी का डेटा एक बार देख लेता हूँ। और आप देख सकते हैं यहाँ पे जो है मेरा डिस्प्ले भी आ चुका है। तो इस टाइप का वीडियो के लिए बने रहिए हमारे साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।